Hey, hello everyone, this is Nitin Singh and I am your new science expert. Today we are going to take our topic from your syllabus, 10th syllabus, light reflection and refraction. ठीक, तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा इस प्लेटफॉर्म पे, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जो कि एजुकेशनल हाइक्स है. तो इसमें हम पहले फिजिक्स का सारा सिलेबस कवर करेंगे, फिर हम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का भी कवर करेंगे. मैंने फिजिक्स पहले क्यों उठाया, क्योंकि सितंबर चल रहा है और सितंबर में बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ लिए होंगे ज़्यादातर, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी टफ भी पड़ती है और शुरू में हमारे एनसीईआरटी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, इसीलिए सारे बच्चे अभी फिजिक्स पे कम गए होंगे. तो जैसा कि मैंने और प्रेम आपके प्रेम सर ने डिसाइड किया कि पहले हम क्या कहते हैं आपका फिजिक्स पोर्शन उठाते हैं. ठीक, तो आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इसके हम इंट्रोडक्शन पार्ट्स पे पहले इंट्रोडक्शन इसकी छोटी छोटी चीज़ों पे बात करेंगे, फिर इसके हर एक टॉपिक को हम बहुत डीप में और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि कहीं से भी छूट ना पाए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपके लाइट चैप्टर से ही आते हैं. ठीक है, तो चलिए अपना टाइम ना खराब करते हुए हम लोग आगे देखते हैं. तो लाइट क्या होता है पहले हम ये देखते हैं. लाइट मतलब रोशनी और प्रकाश. और क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन मतलब इमेज होता है, और रिफ्लेक्शन का एक मतलब होता है प्रतिबिंब. और फिर उसके बाद आता है रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है डिफ्लेक्शन भी इसको बोलते हैं, और रिफ्रैक्शन का एक मतलब होता है अपिवर्तन भी होता है. तो आप इसे क्या कहते हैं अपनी कॉपी में लिख सकते हैं कि लाइट का मतलब होता है प्रकाश, जो चमकदार चीज़ें होती हैं उसे हम लाइट बोलते हैं प्रकाश, और रोशनी भी बोल सकते हैं. रिफ्लेक्शन का मतलब होता है अपिवर्तन, और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब. ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, क्योंकि हम एकदम बेसिक से चीज़ें उठा रहे हैं और ये बहुत ही ज़रूरी है कि हमें सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए देखते हैं. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज दे इमिट लाइट ऑन देयर ओन. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद में से लाइट को इमिट करते हैं, लाइट को छोड़ते हैं, वो हमारे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं. वो सर कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं सन, स्टार, बर्निंग ऑफ कैंडल, और भी होते हैं टॉर्च, इलेक्ट्रिक बल्ब, और भी बहुत सारे हो जाएंगे. तो वो ऑब्जेक्ट, वो हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने में से प्रकाश, अपने में लाइट को इमिट करे, लाइट के पार्टिकल को इमिट करे, उसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का नाम देंगे. उसके बाद हम देखते हैं कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं. द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट आर नॉट इमिट लाइट ऑन देयर ओन, दे विजिबल बिकॉज ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद में से लाइट को, प्रकाश को इमिट नहीं करते हैं, उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है. ठीक है, वो हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं, और वो दिखते किसके वजह से हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से. वो दिखते किसकी वजह से हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से. अब हम इसका कुछ एग्जांपल है देखते हैं, उसके बाद मैं इसको कंपेयर करके आपको बताता हूं. तो इसके एग्जांपल हो जाएंगे टेबल, ट्री एंड मैन, और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी. टेबल, ट्री, मैन, कार, बिल्डिंग्स, जितनी भी चीज़ें हमारे अर्थ पे हैं जिसमें आपकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो होते हैं हमारे नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. गॉट इट? देन मैं आपको अब कंपेयर करके बताता हूँ. जैसे आप कमरे में बैठे हुए हैं, तो आप कमरे में बैठे हुए हैं तो आपके कमरे में एक बल्ब है. वो बल्ब क्या है, खुद में से लाइट इमिट कर रही है, तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हुआ. और आप हुए, टेबल हुई, आपकी बहन हुई, जो भी घर में बैठे हुए हैं, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि इनमें से कोई लाइट नहीं निकल रही है, ये दिख रहे हैं उस बल्ब की वजह से. ठीक है, तो हम लोग सारे लोग दिखते हैं किसी रोशनी की वजह से, किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो अपने में से लाइट इमिट करते हैं. तो इसीलिए हमें नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है और उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोला जाता है. ठीक, तो यहाँ पे मैंने दोनों आपको दे रखा है, और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है ये. आप अगर आप इसको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो ये आपको ईजिली याद भी हो जाएगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूरे मार्क्स आपको मिल भी जाएंगे. ठीक है, देन देखते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के सरफेस होते हैं. देन टाइप्स ऑफ सरफेस, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सरफेस. कौन कौन से? ओपेक सरफेस होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस होता है, और ट्रांसलूशेंट सरफेस होता है. तीन टाइप के सरफेस होते हैं जो कि हमारा होता है ओपेक सरफेस, ट्रांसपेरेंट सरफेस एंड ट्रांसलूशेंट सरफेस. अब मैं इनके बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए इनके बारे में कोई डीप जानने की आपको ज़रूरत भी नहीं है. ओपेक सरफेस वो सरफेस होते हैं जिनमें से लाइट आर पार नहीं हो पाती है, ऐसा आप कह सकते हैं कि लाइट पास नहीं हो पाती है, वो हमारे ओपेक सरफेस होते हैं. ट्रांसपेरेंट सरफेस होते हैं जिनमें से लाइट पूरी की पूरी पास हो जाती है, जैसे
वाटर, एयर एंड ग्लास। ठीक, इसमें अगर आप किसी भी ग्लास में अगर आप टॉर्च मारेंगे, टॉर्च अगर आप करेंगे तो उस साइड आपको क्या कहते हैं दिखाई देगा। तो ये हमारे ग्लास हो गए। वाटर, वाटर में भी आप देखते हैं आपको नीचे की सरफेस पूरी की पूरी दिखाई देती है, तो वाटर भी जो आपके होते हैं वो भी ट्रांसपेरेंट होते हैं। और एयर तो होता ही है, जैसा कि हवा आप देख सकते हैं। ठीक, और ओपेक सरफेस का एग्जांपल ले सकते हैं, लकड़ी ले सकते हैं, अपने आप को ले सकते हैं मैन। ठीक, कोई दीवार ले सकते हैं, कोई वॉल ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ कि अगर मैं अगर ऐसा खड़ा हो जाऊँ ऐसे सीधे एकदम, और आपका चेहरा मैं यहाँ पर रख दूँ अपने एब्डोमिनल एरिया के पास, तो आप पीछे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप, हमारी आँख भी क्या है, एक लाइट सोर्स है, तो आप पीछे नहीं देख पाएंगे इसके, क्योंकि मेरा, मेरी बॉडी एक क्या है, ओपेक सरफेस है। ठीक, और मैं यहीं पे एक ट्रांसपेरेंट, मतलब कि एक कोई भी ग्लास रख देता हूँ तो आप उधर देखेंगे तो आपको बोर्ड दिखाई देगा, ऐसे अगर मैं रख देता हूँ तो उधर आपको बोर्ड दिखाई पड़ेगा। ठीक, और ट्रांसल्यूशन सरफेस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ट्रांसल्यूशन सरफेस वो होता है जो थोड़ी लाइट पास होने देता है और आधी लाइट पास होने देता है और आधी लाइट को रोक के रख लेता है, वो होते हैं हमारे ट्रांस पैरेंट सरफेस। कौन कौन से होते हैं? बटर पेपर, थिन शीट, और भी बहुत सारे हो जाएंगे, मिक्सचर ऑफ लिक्विड हो सकते हैं, ऑयल हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशेंट सरफेस। ठीक, तो तीन टाइप के आपके सरफेस होते हैं और दो टाइप्स के आपके ऑब्जेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसके आगे के आगे मैं इसके और भी चीज़ें जो होती हैं, इसके जो बेसिक होती हैं वो मैं बताता हूँ। ओके भाई लोग, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद हमने तीन टाइप के सरफेस के बारे में बात की, जो कि थे हमारे ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूशेंट। ठीक है, ये बहुत बेसिक है, इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई लाइट कभी भी पढ़ा ही नहीं होगा, लाइट चैप्टर कभी भी अपनी लाइफ में भी नहीं पढ़ा होगा, तो आपको फिर भी समझ में आएगा, क्योंकि ये एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि लाइट क्या होता है। लाइट, ठीक, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल टू सी थिंग अराउंड अस। ठीक, लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हम आसपास की दुनिया, आसपास की चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, ये एक इसकी बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही छोटी सी डिफिनेशन है, जिसको आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और उसके बाद मैंने इसकी एक सेकेंड डिफिनेशन दी है, जो कि थोड़ी टेक्निकल है। लाइट इज नथिंग बट इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट कुछ भी नहीं है पर ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट कुछ भी नहीं है पर ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दो तरह की चीज़ें आपको, दो तरह की डिफिनेशन आपको दे रखी है, एक इजी डिफिनेशन, एक थोड़ी टेक्निकल डिफिनेशन। तो आप दोनों लिखेंगे, आपको दोनों पे उतने ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दे रखा है। तो यहाँ पे मैटर फंसता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है। ठीक, तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख रखा है, मैं, आप प्लीज़ एक नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते चलेंगे तो ये आपको एग्जाम टाइम पे बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और ऐसी नोट्स आपको अगर कहीं पे मिल जाएगी तो आप एजुकेशनल हाइक्स पे मेरा, पर्टिकुलर मेरा वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए पॉइंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको EM से भी, कैपिटल E और कैपिटल M से भी डिफाइन करते हैं, और आपके एग्जाम में EM भी पूछेगा आपसे, तो आप बता दीजिएगा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर वेव दैट्स आर क्रिएट एज ए रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये एक रिजल्ट होता है। जब हम अपने स्कूल में भी एग्जाम देते हैं तो उसका एक रिजल्ट पाते हैं। क्या पाते हैं? एक रिजल्ट। जो भी मेहनत हम पूरी साल किए रहते हैं उसका हमको एक रिजल्ट मिलता है, कि हमने कितनी मेहनत अपने एग्जाम में, कितनी मेहनत की थी, उसका हमें एक रिजल्ट मिलता है। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिजल्ट है वाइब्रेशन, मतलब झनझनाहट वाइब्रेशन। जैसे आप किसी भी चीज़ को वाइब्रेट होते देखते हैं, जैसे आप सपोज करिए अपने मोबाइल फोन को ही साइलेंट पर लगा देते हैं तो वो वाइब्रेट करता है ना, उसके भी पार्टिकल क्या करते हैं, इधर उधर वाइब्रेट करते हैं। वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक रिजल्ट है वाइब्रेशन, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है सर, इसे हम अभी डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को मिला लो, उसका जो झनझनाहट, उसकी जो झनझनाहट, उसकी जो वाइब्रेशन आएगी, उसी के रिजल्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। दैट्स इट, यही डिफिनेशन आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बता सकते हैं। और हिंदी में अगर आपसे कभी कोई पूछेगा, अगर आप भूल जाते हैं डिफिनेशन, बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, तो आप ऐसा बोल दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रिजल्ट होता है, जो उसकी झनझनाहट का जो रिजल्ट होता है, उसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। बट तो ये था इसका छोटा सा एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दे रखा था, जो कि बहुत ही जरूरी था।
फिर आते हैं फोटोन। सर फोटोन क्या होता है? ये फोटोन एक पार्टिकल होता है, जैसे हर इंसान पार्टिकल से ही बनता है, हर चीज, हर मैटर किससे बनता है? पार्टिकल से बनता है। इस दुनिया में जितनी भी सारी चीज, जितने भी मैटर्स हैं, सब किससे बने हैं? एक पार्टिकल से बने हैं, छोटे से एटम से, मॉलिक्यूल से, ठीक है। हम लोग सेल से बने हैं, स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो वैसे ही हमारा जो फोटोन, जो हमारी लाइट है, वो भी उसके छोटे पार्टिकल से बनी है, जिसको बोलते हैं फोटोन। ना ही न्यूट्रॉन, ना ही इलेक्ट्रॉन, ठीक, उसका ना ही प्रोटॉन, उसका नाम है फोटोन, PHOTON, फोटोन, ठीक। जो लाइट हमारी आती है उसके अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, उस पार्टिकल को बोलते हैं फोटोन पार्टिकल। क्या होता है ये? इट इज एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इट इज मासलेस। क्या बोला है? इट इज मासलेस, इसका कोई वजन नहीं होता, ठीक है। तो ये है, इट इज एलिमेंट्री पार्टिकल एंड इट इज मासलेस एंड इट्स स्पीड इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जहां कोई एयर के पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, ठीक है। इतनी स्पीड है भाई इसकी, मीटर पर सेकंड। अभी हम इस पर बात कर लेते हैं कितनी स्पीड है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल मतलब दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल। इससे भी छोटे पार्टिकल हैं आई थिंक, एक या दो, आई थिंक गॉड पार्टिकल एक होता है, इससे छोटा होता है, और भी एक आध पार्टिकल होंगे, लेकिन और इसके पास अपना कोई खुद का कोई मास नहीं होता, खुद का कोई मास नहीं होता। इसकी स्पीड जो होती है वैक्यूम में, मतलब जहां पे एयर के पार्टिकल प्रेजेंट ना हो, इसकी स्पीड कितनी होती है? इतनी होती है, 29,92,458। इतनी ज्यादा होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे लगाना भूल गया था, हम लोग लगा लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये हो गया 29,98,92,458 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पार्टिकल चलते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे फोटोन पार्टिकल, जो थोड़ा सा इनके बारे में जानना बहुत ही जरूरी था। और उसके बाद लाइट के बारे में हमने जान लिया, लाइट की दो डिफिनेशन हमने देख ली, जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की जो झंझनाहट, जो वाइब्रेशन, इन दोनों को मिलाने के बाद जो वाइब्रेशन होती है, उसके रिजल्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अच्छा, अब बात ये फंसती है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ठीक है। तो इस पर हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इस पर हम आपको थोड़ा बता देते हैं। तो इससे पहले आप इस पर एक स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर स्नैपशॉट ले लेंगे अच्छे से, तो मैं आपको अब, हाँ आपने ले लिया होगा, अब आप रुके रहिए, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें यहाँ पे होती है, ठीक है। मैं लाइट की डेफिनेशन वैसे भी रेस कर रहा हूँ थोड़ी सी जगह लेने के लिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बता पाऊंगा, जस्ट ए मिनट, ओके, ठीक। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है। तो देखिए, जैसे मैं कोई एक वायर लेता हूँ, कोई भी एक मोटा सा वायर ले लिया, ठीक, वायर ले सकते हैं आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी ले सकते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती हो, अपने घर में टीवी, फ्रिज, कुछ भी, लेकिन हम एक वायर लिए, ठीक। आपको पता है वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और सब टहलते रहते हैं, मनमानी करते रहते हैं अपनी, कोई इधर टहल रहा है, कोई उधर टहल रहा है, जब तक इसमें करंट पास नहीं होता, जब तक इसमें करंट पास नहीं होता, तब तक ये ऐसे आवारा की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें करंट पास होता है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन की कंडीशन क्या होती है, ये ऐसे कैसे पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, क्योंकि मैं आपको दूसरा एक डायग्राम बना के अच्छे से दिखा देता हूँ, इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक, ओके। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन टहलते रहते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रहता, ठीक। लेकिन जैसे ही इसमें से करंट पास होती है, ठीक है, जैसे ही इसमें से करंट पास होती है, ये कुछ ऐसे हो जाते हैं, देखिए ये कुछ एक लाइन में हो जाते हैं, ऐसे एक लाइन में, एक सीरीज में हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ढकेलना शुरू करते हैं, एक दूसरे को पुश करना शुरू करते हैं, और काफ़ी अच्छी फील्ड जनरेट कर लेते हैं। क्या जनरेट कर लेते हैं? फील्ड, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कहाँ पे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास जनरेट करते हैं, जैसा आप देख सकते हैं इसके आसपास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आसपास इतनी दूर पे, थोड़ी दूर पे, जितने ज़्यादा वोल्ट का हमारा, जितने ज़्यादा वोल्ट के हमारे करंट होंगे, उतनी अच्छी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पास होगी, ठीक है। तो इसे आप ज़रूर जानते रहिए। तो इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, इसके आसपास ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इसी को यही इसी के पार्टिकल से, इसी के इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट आसपास होती है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है, जब हम कभी भी, आप देखिए, जब आप वायर पे अगर कवरिंग ना हो, आप टच करते हैं तो आपको करंट मारता है, आपको हाथ आपका खींचता है ऐसे। तो ये क्या करता है, इसके आसपास की चीज़ें यहाँ पे अगर आप कुछ रखें तो वो आपको खींचेगी। तो यही होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब
मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, हमने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कम्बिनेशन का जो वाइब्रेशन होता है उसी को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें दो मैग्नेट लेना पड़ेगा। मैग्नेट में आपको पता है नॉर्थ साउथ होते हैं, सबको पता होगा नॉर्थ साउथ, ठीक। ऐसे दो मैग्नेट ले लिया हमने, तो आप लोग को पता है कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर होते हैं और लाइक चार्जेस रिपेल्स टू ईच अदर होते हैं ना। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। इनके केस में प्लस माइनस वाला होता है, प्लस माइनस अट्रैक्ट टू ईच अदर और प्लस प्लस रिपेल्स टू ईच अदर, ठीक। और इनके केस में नॉर्थ साउथ ऐसा होता है। हर मैग्नेट के अंदर नॉर्थ साउथ प्रेजेंट होता है, जितनी बार उसको तोड़ोगे उतनी बार नॉर्थ साउथ अपने ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो दो मैग्नेट है, मतलब ये साउथ है ये नॉर्थ है, तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो ये जब अट्रैक्ट करेंगे तो इसके फील्ड बीच में एक फील्ड जनरेट होगी, क्या जनरेट होगी, ये अपने आप पास आने लगते हैं ना, ऐसे आप लीजिए ऐसे पास आने लगते हैं, इतने पर रखते हैं तो चिपक जाता है, तो ये पास आते हैं, यही होती है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो ये किनारे वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इन्हीं के दोनों के झुंझुनाहट को, इन्हीं के दोनों के वाइब्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गॉट इट। तो यही होता है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के जो झंझनाहट होती है, जो इसके पार्टिकल्स होते हैं वाइब्रेट करते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं, इसी के रिजल्ट को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। तो ये था आपका छोटा सा कंसेप्ट जो कि इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में आपको जानना जरूरी था। आप इसे अगर स्नैपशॉट ले लेंगे तो मैं इसके आगे थोड़ी चीजें और है जो मैं आपको इंट्रोडक्शन में बताना चाहूंगा। ओके, तो भाई लोग इसके आगे की चीज़ें हम लोग देखते हैं जो कि हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखनी है। तो जैसा कि क्या कहते हैं, इस चैप्टर में जो हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें देखेंगे, अभी हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बड़ा डीप में अच्छा देखा और उसकी डिफिनेशन को भी पढ़ा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में भी देखा क्या होती है, वैसे ही देखते हैं यहाँ पे नोट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें और दी हुई हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा है आपको जानना, ठीक। द रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। The range of electromagnetic wave is known as electromagnetic spectrum. अब ये electromagnetic spectrum क्या होता है, चलो इसके ऊपर भी बात करते हैं। It generally divided into seven region. जो electromagnetic spectrum है, electromagnetic wave है, इसे हम electromagnetic spectrum भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो electromagnetic wave है उसको हम electromagnetic spectrum भी बोल सकते हैं, उसकी range को, ठीक है, उसकी range को हम electromagnetic spectrum भी बोलते हैं। और ये बेसिकली सात पार्टों में डिवाइड है, सात रीजन में डिवाइड है। कौन कौन से, किस में डिवाइड है, रेडियो वेव, थोड़ा डिफरेंट मार्कर ले लेते हैं, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, रेड जरूर लगाना, इंफ्रारेड, विजिबल अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, इस सात पार्टों में ये डिवाइडेड है। तो ये होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से देखेंगे, क्योंकि अभी आपको अभी तक तो कुछ नहीं समझ में आया होगा जहाँ तक मुझे लगता है। अब मैं समझाता हूँ। द रेंज, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज होती है, जैसे किसी भी चीज़ की एक रेंज होती है, सन की रेंज जब आती है वहाँ से अर्थ तक, तो उसकी भी एक रेंज है, एक दूरी है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में डिवाइड है, मतलब एक झुंड में, एक बंडल में डिवाइड है, जिसको हम जो सेवन रेंज में है वो है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रा रेड वेव, विजिबल वेव, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट रे, एक्सरे और गामा, ठीक, ये होते हैं। और इसका मैंने एक फिगर यहाँ पे बना रखा है जो कि आप देख के थोड़ा आपको मैं समझा सकता हूँ इजीली कि यहाँ पे एक्चुअली में हो क्या रहा है। देखिए, ये एक बॉक्स मैंने बना रखा है, इसमें ये सातों के सातों हमारे वेवलेंथ मौजूद हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा, ये सात तरह की होती हैं, ठीक। ये सारी की सारी वाइट कलर के अंदर, ऐसे सारी की सारी वाइट कलर के अंदर छुपी होती हैं। क्या होती हैं, छुपी होती हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिसमें से इनकी वर्किंग, इनका काम क्या होता है, इसे भी जानना ज़रूरी है। मतलब सन लाइट, जब सन से जो रोशनी आती है वहाँ से वाइट लाइट के अंदर ये सातों तरह की जो वेवलेंथ होती है ये प्रेजेंट होती हैं। क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जिसमें जो इन्फ्रा रेड होती है, इन्फ्रारेड, ये क्या काम करती हैं, पहली चीज़ तो आप एक स्नैपशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ा गंदा कर देता हूँ बोर्ड, तो आप अगर स्नैपशॉट ले लेंगे तो मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा। हाँ, अभी हो गया होगा। ओके,
इंफ्रारेड वेव क्या होती है? बेसिकली ये जो इंफ्रारेड वेव होती है, ये किसी भी चीज़ को हमारे अर्थ पे जो हॉटनेस, जो गर्मी पैदा करती है, वो कौन करती है? इस वाइट लाइट के अंदर जो इंफ्रारेड वेव होती है, ये पैदा करती है। मतलब अगर हमें गर्मी लग रही है तो किसके वजह से? इंफ्रारेड वेवलेंथ की वजह से हमें वो गर्मी महसूस हो रही है। विजिबल रे, विजिबल रे क्या करती है? विजिबल रे जो हमारी होती है, इसके वजह से, देखो नाम ही विजिबल है ना, तो इसका मतलब देखना। तो आसपास की चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, हम आपको देख पा रहे हैं, हम इस खूबसूरत सी दुनिया को देख पा रहे हैं, ये सब किसके वजह से देख पा रहे हैं? इस विजिबल रे की वजह से, इस विजिबल वेवलेंथ की वजह से देख पा रहे हैं, जो कि हमारे वाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायलेट, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। आपको पता होगा, सबको पता होगा कि अल्ट्रा वायलेट रे जो होती है बहुत ही खतरनाक होती है। ये कहीं पर ट्रैप हो गई है। कहाँ पर ट्रैप हो गई है? कहाँ पर ट्रैप हो गई? ये ट्रैप हुई है हमारे ओजोन, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर की एक लेयर है, एक परत है, वहाँ पे ये ट्रैप हो गई है। ठीक है, अगर ये हमारे अर्थ सरफेस पे आती है तो इससे बहुत ही नुकसान होगा हमें। हम भी क्या बोलते हैं, हमें स्किन कैंसर हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती हैं। इसीलिए ये वहाँ पर ट्रैप हो जाती है, ओजोन गैस की वजह से यहाँ पर नहीं आ पा रही है। उसके बाद एक्सरे होती है, गामा होती है, रेडियो वेव होती है, जो कि हम अपने कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं, माइक्रो होती है। ठीक है, तो ये सब वेव के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया, जो कि जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी रहता है। इन तीन के बारे में तो आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये तीन में हमारी मेन होती हैं, जो हमारी ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। उसके बाद देखिए, ये सारी की सारी इस वाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट है। ये एक मैंने टॉर्च टाइप का बनाया है, आप देख सकते हैं कि टॉर्च, ऐसे टॉर्च का क्या बोलते हैं, सिग्नल साइट है। यहाँ से वाइट लाइट निकल रही है। ठीक है, इस वाइट लाइट के अंदर, इस वाइट लाइट के अंदर ये सातों के सातों प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सातों के सातों प्रेजेंट होती हैं। जब ये जाती हैं तो उसके बाद यहाँ पे एक वेबग्योर फॉर्म हो सकता है। वेबग्योर मैंने दे दिया है, एक वेबग्योर फॉर्म होता है इस वाइट लाइट के अंदर। आप लोग को ये भी पता होगा कि सात तरह के कलर प्रेजेंट होते हैं, सात तरह के कलर प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? वो हमारे वेबग्योर के फॉर्म में होते हैं, जिनको हम बोलते हैं वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येल्लो, और ओ से ऑरेंज, और आर से रेड। ठीक, ये वेबग्योर हमारे प्रेजेंट होते हैं। ये वेबग्योर करते क्या हैं? इनका बहुत ही बड़ा इसमें रोल होता है। अगर वेबग्योर हमारे हमारे वाइट लाइट के अंदर ये सारे के सारे कलर प्रेजेंट नहीं होंगे, तो हम किसी भी चीज़ को, आसपास की चीज़ को, कह सकते हो कि रंग बिरंगी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल होता है। और इसमें से इनकी कुछ कैपेसिटी भी होती है, ये भी देख लेते हैं हम लोग। 700 नैनोमीटर्स जो होती है वो हमारी वायलेट लाइट के अंदर होती है। इंडिगो के अंदर हमारे 600 नैनोमीटर्स होते हैं, और ब्लू के अंदर 580 नैनोमीटर होते हैं, ग्रीन के अंदर 550 नैनोमीटर होते हैं। ठीक, और येल्लो के अंदर हमारे 475 नैनोमीटर होते हैं, और उसके बाद ऑरेंज के अंदर हमारे 450 नैनोमीटर होते हैं, एंड लास्ट रेड के अंदर हमारे 400 नैनोमीटर होते हैं। आपके 2017 के पेपर में, 2017 तीन साल पहले के पेपर में आपके आया था एक बार, कि क्या बोलते हैं, जो हमारे वेवलेंथ होते हैं, जो हमारे वेवग्योर कलर्स होते हैं, ये कितने हज़ार नैनोमीटर से कितने नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ये क्या बोलते हैं, 700 to 400 नैनोमीटर तक एग्जिस्ट करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन था, ज़्यादातर बच्चे क्या, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बच्चों ने इसे नहीं करा होगा, क्योंकि ये ना तो NCERT में दिया है और ना ही ये साइड बुक में दिया है, आप जाके देख भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू लिख दी है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1.10 × 10⁻¹⁹ मीटर। ठीक, एक नैनोमीटर की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही कम होती है, जिसको बोलते हैं 1 × 10⁻¹⁹ मीटर। और यहाँ पे मैंने इसका एक क्या बोलते हैं, आप कह सकते हैं कि मैंने एक लेटर में भी लिख दिया, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियंथ ऑफ मीटर, 1 बिलियंथ ऑफ मीटर। क्योंकि नैनो को क्या बोलते हैं, व्हाट इज मीन बाय नैनो, नैनो का मतलब ही होता है बिलियन। क्या नैनो का मतलब ही क्या होता है? बिलियन। तो ये थे आपके, ये इस चैप्टर के छोटा सा इंट्रोडक्शन का ये भी एक पार्ट था, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको ये सब सारी चीज़ें ना बताऊँ, डायरेक्ट आपके टॉपिक पढ़ाऊँ, लेकिन भाई ये इसलिए बता रहा हूँ कि नॉलेज बहुत ही बड़ी चीज़ होती है। आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी अपने गांव जाते हैं या अपने घर जाते हैं, किसी के भी सामने खड़े होते हैं, अगर ये सब क्वेश्चन आप उनसे पूछेंगे, इतने डीप में लाइट के बारे में आप उनसे डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, तो वो आपसे इम्प्रेस हो जाएंगे कि आपने पढ़ा कहाँ पर है। तो आप बता दीजिएगा कि हम एजुकेशनल चैनल है, एजुकेशनल हाइक्स, वहाँ पर मैंने इस चीज़ को पढ़ा है।
तो ये सब सारी चीज़ें आप इसे एक स्नैपशॉट ले लीजिए, एक स्नैपशॉट अगर आप मोबाइल से ले लीजिए, तो फिर मैं इसके आगे की चीज़ जो थोड़ी सी बची है इंट्रोडक्शन पार्ट में वो मैं आपको बताता हूँ। ओके गाइस, तो आपका लास्ट टॉपिक बचा है इस इंट्रोडक्शन पार्ट का, जिसे हम डिस्कस कर लेते हैं, देन उसके बाद ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो पॉइंट्स और आपको लिखवाए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, चलिए देखते हैं। ओके, व्हेन वी सी वाइट कलर सरफेस मींस ऑल द वेवलेंथ्स आर रिफ्लेक्टेड। इसको जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि मैंने यहाँ पे ये क्या लिखा है, जो आप नहीं समझ पाएंगे तो मैं इसकी एक समरी बता देता हूँ आपको, जो कि आपके माइंड में अच्छे से आ जाएगी। जब हम आसपास किसी भी चीज़ को देखते हैं, कोई भी कलरफुल चीज़ें देखते हैं अपने आसपास, तो कैसे देख पाते हैं? क्योंकि उस लाइट, उस वाइट लाइट में जो सन से आती है, या आपके घर में जो ट्यूब लाइट है, ठीक है, उस वाइट लाइट में हम क्या देख, उसके वाइट लाइट के अंदर क्या होते हैं, सात कलर प्रेजेंट होते हैं। सात कलर जो कि मेन सात कलर प्रेजेंट होते हैं, कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येल्लो, ऑरेंज एंड रेड। ये सात कलर प्रेजेंट होते हैं। इन सात कलर से और भी कलर क्रिएट हो सकते हैं, बट ये सात कलर जो होते हैं वो मेन होते हैं, उस वाइट लाइट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसी के वजह से हम अपने आसपास की चीज़ रंग बिरंगी कलरफुल देख पाते हैं। जैसे आप हमें देख पा रहे हैं, मैं ब्लू कलर का और येल्लो कलर का एक पैटर्न शर्ट पहना हूँ, तो इसको आप क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि उस वाइट लाइट के अंदर ये सारे कलर जो हैं प्रेजेंट हैं, इसमें सिर्फ वाइट येल्लो कलर और ब्लू कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है और सब एब्जॉर्ब कर जा रहे हैं, इसीलिए आप ये टी शर्ट देख पा रहे हैं, आप इस बोर्ड को देख पा रहे हैं, आप अपने आसपास की चीज़ें जो कलरफुल देख पा रहे हैं, इसी वजह से देख पा रहे हैं कि उसमें कुछ वेवलेंथ, जो कुछ लाइट, जो कुछ कलर हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और कुछ एब्जॉर्ब कर जा रहे हैं। ठीक, वैसा ही मैंने यहाँ पे दो पॉइंट दिया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो पॉइंट्स। तो चलिए हम इसको देखते हैं। व्हेन वी सी वाइट कलर सरफेस मींस ऑल द वेवलेंथ्स आर रिफ्लेक्टेड, मतलब जब भी हम वाइट कलर हमको दिखता है या हम देखते हैं, जब भी हमको वाइट कलर दिखता है या हम देखते हैं, तो उसमें सारी की सारी वेवलेंथ्स क्या होती है भाई, रिफ्लेक्ट हो जाती है। सारी की सारी वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना रखा है, सन फर्स्ट, सन भाई लिख दो, सन भाई फर्स्ट फर्स्ट, ठीक। तो सूरज भगवान है ये, यहाँ से एक लाइट आई जो कि वाइट के फॉर्म में थी। किसके फॉर्म में? वाइट के ही फॉर्म में रहेगी, क्योंकि सन हमारा क्या है, स्टार है। क्या है? स्टार है, जो कि बहुत पास है हमारे, नियरेस्ट स्टार है, ठीक। तो ये एक वाइट लाइट आई और एक सरफेस पे स्ट्राइक की। इस सरफेस का कलर पहले नहीं पता था हमको, लेकिन जब स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट कर गई तो ये सरफेस हमको दिखा वाइट। क्या दिखा? वाइट। कैसे दिखा वाइट? क्योंकि इस सरफेस पे सारी की सारी वेवलेंथ क्या हुई, सारी की सारी लाइट क्या हुई, रिफ्लेक्ट हो गई सारी की सारी। सारी की सारी क्यों बोल रहे हैं सर? मतलब कि इसके बीच में इस जो ये जो वाइट लाइट आई है, इस वाइट लाइट के अंदर, इसके अंदर ये सातों के सातों कलर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट हो गए, इसीलिए ये सरफेस हमको क्या दिखाई दिया, वाइट। समझ में आया? फिर देखते हैं ब्लैक में। When we see black color surface, means all the wavelengths are absorbed. मतलब जब हम कोई ब्लैक कलर देखते हैं तो उसमें सारे के सारे जो कलर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जैसे एक सूरज भगवान सेकेंड, सन भाई सेकेंड, दूसरे सूरज भगवान में क्या हुआ कि ये एक लाइट आई व्हाइट कलर के फॉर्म में, यहाँ पे गिरने के बाद ये जा ही नहीं पाई, सारी की सारी इसी के अंदर ठहर गई, रह गई, एब्जॉर्ब कर गई, इसीलिए ये सरफेस हमें क्या दिखाई दिया, ब्लैक दिखाई दिया। आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा, ठीक। जैसे मैं एग्जांपल दोनों का एक कंपैरिजन आपको बता देता हूँ जो कि इजी पड़ जाएगा। जैसे आप सपोज करिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड आपको पूरा का पूरा वाइट दिखाई दे रहा है, मीन्स आपके आँख से जो रेज निकल रही है इस पर रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, इस पर रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है एज अ सेम एंगल पे, ठीक। और एक चीज़, ये जो सरफेस हम लेंगे भाई, इसे ध्यान रखना, ये सरफेस हमेशा ओपेक सरफेस रहेगा, ना तो ट्रांसपेरेंट ले सकते हैं, क्योंकि तीन टाइप के सरफेस मैंने आपको बता रखे हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूशेंट एंड ओपेक। तो ये सरफेस हम कौन सा कंसीडर करेंगे? ओपेक, क्योंकि ओपेक ही ऐसा सरफेस था जिसमें से कोई लाइट पास नहीं हो रही थी, कोई लाइट पास नहीं हो रही थी। ट्रांसपेरेंट में देखो पूरी पास हो जा रही थी, ट्रांसलूशेंट में देखो आधी पास हो जा रही थी, लेकिन ओपेक में नहीं पास हो रही थी, इसीलिए हम ओपेक सरफेस प्रिफर करेंगे, क्योंकि वो फेक सरफेस ही एक ऐसा सरफेस होता है जिसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ठीक। तो ये हो गया। उसके बाद ब्लैक कलर में क्या था, इसका मैं एक कंपैरिजन बता रहा था, सॉरी। तो वाइट कलर आप बोर्ड देख पा रहे हैं, तो इसमें से सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, इसीलिए ये सरफेस, ये भी क्या है, ये बोर्ड भी एक सरफेस है जो कि एक ओपेक सरफेस है, ठीक। तो इससे टकराने के बाद सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, इसीलिए ये सरफेस आपको वाइट दिखाई दे रहा है।
ऐसे ही आप अपने कमरे में एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कमरा आपका, आपने लाइट बंद कर दी, अंधेरा हो गया, तो अपनी आंखों से कुछ देख नहीं पा रहे हैं, मतलब आपका कमरा अंधेरा है, आपके कमरे में अंधेरा है, आप अपनी आंखों से कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। सारे के सारे लाइट क्या, सारे के सारे जो हमारे ये वेबग्योर हैं, जो वाइट लाइट्स हैं हमारी, सारी की सारी उसी के अंदर रह जा रही है, ठहर जा रही है, मीन्स एब्जॉर्ब हो जा रही है, इसीलिए हमें वो सरफेस, वो जगह ब्लैक दिखाई दे रही है। तो ये आपका दो था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वाइट और ब्लैक के ही बारे में पूछता है और भी जो कलर्स होते हैं उनके बारे में नहीं पूछता है, इसीलिए मैंने वाइट और ब्लैक के बारे में लिखवा दिया है। और मैं इसमें थोड़ी चीज़ें और आपको बता देता हूँ कि जो डिफरेंट पैटर्न के कलर दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं। जैसे मेरा एक मेरा शर्ट है, ये ब्लू और क्या बोलते हैं, आपको दो पैटर्न में दिखाई दे रहा है, ब्लू एंड येल्लो, तो कैसे दिखाई दे रहा है? तो वेट फॉर अ सेकेंड, आई एम शोइंग समथिंग, ओके एक मिनट, ओके एक मिनट, सूरज भगवान फर्स्ट और सूरज भगवान सेकंड इरेज हो रहे हैं, बताइएगा कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। ठीक है, डायग्राम मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, तो अगर आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सूरज भगवान फर्स्ट अच्छे थे कि सूरज भगवान सेकंड अच्छे थे, तो मोटिवेशन मिलेगा, नेक्स्ट टाइम और अच्छा डायग्राम बनाऊंगा मैं। चलिए देखते हैं, लाइक एक सरफेस है जो कि येल्लो कलर की है, किस कलर की? येल्लो, येल्लो और ब्लू ले लेते हैं, मेरी टी शर्ट को ही ले लेते हैं, चलो येल्लो है, सॉरी शर्ट, मेरी बचपन से एक आदत है मैं शर्ट को टी शर्ट बोलता हूँ, तो डोंट प्लीज़ इसको आप थोड़ा नज़रअंदाज करिएगा, ठीक है भाई? चलो देखते हैं, तो एक सन है, ठीक है, लो तीसरा सन हो गए, तो मतलब सूरज भाई, सूरज भगवान फर्स्ट बने थे, सन सन भाई फर्स्ट बने थे, सेकंड बने थे, आप थर्ड बन गए, सबसे तेज इसी को बनाया है मैंने, तो आप बताइएगा कि कौन ज़्यादा अच्छा दिखा है। ठीक है, चलिए, यहाँ से एक लाइट रे आई इस रे के अंदर, इस रे के अंदर, इस वाइट लाइट के अंदर, इस वाइट लाइट के अंदर वो सातों प्रेजेंट हैं भाई, इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ये सातों जो हैं, सातों कलर जो हैं इसके अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, इसमें से सिर्फ येल्लो, चलो मैं एक मोटा थोड़ा बना देता हूँ, ये ऐसा बना देता हूँ, तो इससे आपको लगेगा कि एक ही, इसमें सातों ऐसे, सातों के सातों ऐसे लाइन से हैं। ठीक है, तो सातों इसमें प्रेजेंट है, इसमें सातों में से सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ, येल्लो वाला, ब्लू वाला, दो ही रिफ्लेक्ट किए और बाकी यहीं के यहीं ठहर गए, एब्जॉर्ब हो गए। इसीलिए आप मेरी टी शर्ट को, अपनी मेरी शर्ट को देखो, फिर टी शर्ट बोला मैंने, मेरी शर्ट को आप येल्लो और ब्लू देख पा रहे हैं, क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि इस वाइट कलर में से सिर्फ येल्लो, पहली येल्लो और दूसरी ब्लू आप देख पा रहे हैं। ठीक, तो सिर्फ दो ही रिफ्लेक्ट हुई, ऐसे तीन होगा तो तीन रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे चार होगा, अगर आपको लगेगा सर सात से ज़्यादा होंगी, तो भाई ज़्यादातर सात से ज़्यादा होती नहीं है, अगर आपको सात से ज़्यादा भी दिखाई दे रही तो फिर उसमें क्या होता है कि छः तो बन जाएंगी और सातवीं क्या होगी, दो का कम्बिनेशन होगी, तो वो आपको सातवीं दिखाई देंगी, होंगी इन सातों में से। ठीक है, तो ये था आपका इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर्स के जो टॉपिक्स हैं, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, जैसे इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, लाइट और नेचर ऑफ लाइट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बस आपको इस चैनल के साथ बने रहना है और ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, और प्लीज़ मैं आपको बिलीव दिलाता हूँ, अगर आप इस चैनल पर रेगुलर बने रहेंगे और साइंस के वीडियो आप देखते रहेंगे, तो आपको फिजिक्स से आपको प्यार हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी, मैं भी एक टाइम पे फिजिक्स से बहुत नफरत करता था, लेकिन आज मेरी फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और मुझे बहुत मज़ा आती है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल के साथ बने रहिए, और जो भी डाउट्स हों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। पहले हम इस चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, फिर सारे चैप्टर्स के आखिरी में मैं एक आपको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसा भी बोलते हैं कि सर जो आप एनसीईआरटी जो भी होते हैं सर, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल थोड़े टफ होते हैं, तो बहुत ही ईजी होते हैं अगर आप थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे, कहानी की तरह, ठीक है, प्यार से, जैसे आप टीवी देखते हैं उसमें आप कोई कहानी को देखते हैं, कोई मूवी को देखते हैं, अगर आप उस तरह से इस कहानी को पढ़ लेंगे तो आपको न्यूमेरिकल आप चुटकी में से उड़ा देंगे। ठीक है, तो थैंक यू आज के लिए, एंड बने रहिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एजुकेशन हाइक्स पे, एंड हैव अ नाइस डे।